इन दिनों युवाओं में ब्रांडेड कपड़ों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन इसी बीच ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर डुप्लीकेट जीन्स टी शर्ट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिससे कपड़ा व्यापारियों में सनसनी मच गई है। आजकल ई मार्केटिंग के बढ़ने से युवाओं में ब्रांडेड कपड़ों का क्रेज बढ़ गया है, लेकिन मुनाफा कमाने के चक्कर में शहर की कई दुकानें ब्रांडेड के नाम पर डुप्लीकेट कपड़े बेचकर ग्राहकों को गुमराह कर रही है। इसी को लेकर शहर में एक बड़ा रैकेट चल रहा है और बड़ी दुकानों से इन कपड़ों की बिक्री की जा रही है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस में शिकायत आई थी कि शहर की कई दुकानों में डुप्लीकेट कपड़े ब्रांड के नाम से बेचे जा रहे हैं। दो दिन पहले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बाद इतवार की चार दुकानों पर छापा मारा गया और वहां से सैकड़ों नकली जींस और टी शर्ट जब्त किए गए। ये सारे कपड़े महंगे ब्रांड के हैं और एक ही दाम पर बिक रहे थे। शहीद चौक में दीपा रेडीमेड भंडार और मां महालक्ष्मी गारमेंट, भाजी बाजार में पूरी कॉम्प्लेक्स में मोनीश गारमेंट और शारदा गारमेंट पर छापा मारा गया और सामान भी जब्त किया गया। इन दुकानों में लीवाइस कंपनी के कपड़े के नाम से नकली कपड़े बेचे जा रहे थे। इन दुकानों से क्रमशः 178, 111, 106 एवं 125 नकली जीन्स जब्त की गई है। साथ ही तहसील थाना पुलिस, दीपा रेडीमेड स्टोर के प्रबंधक रोहित रविंद्र जैन, मां महालक्ष्मी गारमेंट्स व मां शारदा गारमेंट्स के मालिक विशाल प्रकाश खोड़े व मां शारदा गारमेंट्स के पास से भारी मात्रा में टी शर्ट भी बरामद की गई। कॉपीराइट कानून के उल्लंघन को लेकर मनीष गारमेंट के मालिक अखिलेश अरविंद मोदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अनिरुद्ध पुरी, संदीप बागुल पांडे, शिवशंकर कांसे, अनंत नन्ने, रूपाली मोतीकर की टीम ने की है। दिनांक 7/4/23 रोजी तहसील पोलीस स्टेशन अंतर्गत इतवारी भागामध्ये काही दुकानांमध्ये लिवाईस कंपनीचे शर्ट टी शर्ट आणि पॅन्ट याचे लेबल लिवाईस कंपनीचे लेबल लावून विकले जात आहे अशी माहिती आम्हाला नेत्रिका कन्सल्टिंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दिली। त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या स्टाफसह इतवारी या भागात चार दुकानांवरती रेड केलेलं आहे। सदर प्रत्येक चार दुकानांमध्ये एकूण 520 क्वांटिटीचा माल मिळून आलेला आहे। त्याची किंमत 96,455 आहे। त्यातील तीन मालकांना आपण ताब्यात घेऊन त्यांना सूचनापत्र देऊन त्यांना सोडून देण्यात आले आणि सदरबाबत जे डुप्लिकेट माल मिळाला आहे त्या मालाचे आपण जप्त करण्यात आलेला आहे आणि त्याबाबत तहसील पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर आरोपींचे नाव एक दीपा रेडीमेड भांडार तेथील दुकानात रोहित रवींद्र जैन, दुसरे दुकान आहे महालक्ष्मी गारमेंट तेथे मालक विशाल प्रकाश खोडे, तसेच मोनीश गारमेंट तेथे मालक अखिलेश अरविंद मोदी व शारदा गारमेंट इतवारी त्याचे मालक विशाल प्रकाश खोडे अशी यांची नावे आहेत। सदरची विक्री ही जवळपास 2-3 महिन्यापासून चालू आहे अशी त्यांना माहिती मिळालेली होती। याबाबत तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठाण, BCN न्यूज नागपूर।